Hey wonderful people, what's up guys? Welcome back into our YouTube channel जिसका नाम है JKSSB Online Tutorial. मैं हूँ सतीश और I hope जितने भी VLW exam की तैयारी कर रहे aspirants हैं वो अपनी जी जान से preparation में लगे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. My dear, simple सी बात है, present scenario को देखने के बाद आप सभी देख सकते हैं कि मेहनत करके भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि आपको किस लेवल तक करना पड़ेगा. ओके, तो कंफर्ट जोन ऑब्वियसली आपको छोड़ना ही पड़ेगा. वेल, आज ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज हम लोग जो लेक्चर्स है वो अपडेट नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे, जस्ट बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हम लोग VLW का पेड जो कोर्स है वो हम लोग रन कर रहे हैं और पूरे का पूरा एनर्जी वहीं पे जा रहा है और मतलब एक्स्ट्रा वीडियो अपडेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा. बट आई थॉट कि आप सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट अपडेट करना हम अगेन स्टार्ट करने वाले. ओके, सो आई नो कि ये उतना नहीं होगा जितना पेड में है, लेकिन फिर भी चलो, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, जिन बच्चों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, कम से कम उनको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग कंटेंट जो है वो अपने पेड बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट, देखो हम लास्ट जो कर रहे थे जीके में, जो हम लास्ट कर रहे थे वो हमने कवरअप किया जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री. ठीक है, मैंने बहुत सारा आई थिंक 5-6 लेक्चर जो थे वो मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में डाले और हिस्ट्री को इस तरह से कवरअप किया है कि किसी भी बच्चे को, बिल्कुल एवरेज से एवरेज बच्चा जिसको हिस्ट्री से डर लगता है, उसको भी स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, पता लग गया होगा पहले कौन आया, बाद में कौन आया, लास्ट में कौन आया. ओके, और इस तरह से हिस्ट्री को हमने कवरअप किया. ऑलराइट, और जितने भी चीजें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की वही चीजें डिस्कस की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन नहीं किया. ओके, सो आराम से बच्चे इसको एक बार पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवाइज करें, हिस्ट्री कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पेड बैच में जो हिस्ट्री का कंटेंट है वो मैंने अपडेट कर दिया है, लेकिन आई थॉट कि मुझे ये आप लोगों के साथ भी वीडियो जो है वो शेयर करना चाहिए. देखो, आप सभी को बता दूं कि आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, ज्योग्राफी में आप लोगों का वही क्लाइमेट, क्रॉप्स, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया. ठीक है, वेदर के बाद आपका रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया. ठीक है, और उसके बाद फ्लोरा फना हो गया. ये सारी चीजें आपको एग्जाम में, जो आपके ज्योग्राफी वाले टॉपिक में, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो आपको पढ़ना है. लेकिन माय डियर, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंसर्न ऑफ JKSSB एग्जाम्स, तो वहां पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री खत्म कर रहे, क्योंकि हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखे थे वो आप लोगों के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से पूछे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं रजौरी वाले डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम रजौरी में से तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना श्योर है कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट, वो आपको डिस्ट्रिक्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, तो इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट उठाई है ताकि डिस्ट्रिक्ट जब हम कवर करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में कवर करने का फायदा ये है कि इसमें आप लोगों का ज्योग्राफी, इसमें आप लोगों का ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, ये दोनों चीजें कवरअप होंगी. क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में जब हम कवरअप करेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स की, कौन आसपास लगता है. ठीक है, सराउंडिंग्स हो गया, उसके बाद कौन सा हिल में है, कौन सा प्लेन में है, ये रहेगा. उसके बाद अगर यहां पे कहीं कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हुए, ठीक है, वो भी हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन में आ जाएगा. वहीं पे नेक्स्ट अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी हम कवर करेंगे, वो आपका ज्योग्राफी पोर्शन में से आएगा. तो इन शॉर्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के फायदे हमें बहुत सारे होने वाले हैं. हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा ये, क्योंकि हिस्ट्री में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज्योग्राफी भी करेगा और इकोनॉमी भी करेगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया कि ज्योग्राफी क्यों, ये डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने इसको स्टार्ट किया पहले. ओके, और जाहिर सी बात है पूरे लेक्चर्स अपडेट नहीं होंगे, पूरे लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरह से कवरअप करना है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ओके, तो आप सभी को डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने से पहले मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्लियर करना चाहता हूं. ठीक है, कि जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है
इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे आया, स्टार्टिंग से डिस्ट्रिक्ट था या क्या था, ऑब्वियसली, ठीक है। आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, उनको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था परगाना। क्या बोला जाता था, परगाना। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो परगानास थे ड्यूरिंग डोगरा रिजीन, मतलब डोगरा टाइम, डोगरा पीरियड बोल दो आप, रिजीन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको रिऑर्गेनाइज किया गया, फिर इसका नाम रखा वजारत, ठीक है, क्या रखा, वजारत, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1892 में, ठीक है, 1892 में ऑन सर वॉल्टर लॉरेंस की रिकमेंडेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे, सर वॉल्टर लॉरेंस की रिकमेंडेशन पे इसमें फिर से थोड़ा बहुत चेंज लाया गया, ठीक है। नाम तो खैर वजारत रहा, लेकिन उसके बाद मतलब इसमें वजारत में फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया थोड़ा बहुत, ठीक है। देन उसके बाद वजारत जो थी ऑब्वियसली माय डियर फिर से रीऑर्गेनाइज हुई, कब, जब बंटवारा हुआ, ऑर्गेनाइज हुई अगेन ड्यू टू लॉस ऑफ ह्यूज टेरिटरी, ठीक है, ह्यूज टेरिटरी ऑफ स्टेट टू पाकिस्तान, कब, इन 1947। देन फाइनली जाके ये जो वजारत थी आप लोगों की, वजारत के इसको नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट को अगेन उसके बाद जाके डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, ठीक है, पहला तहसील, फिर नियाबत, ठीक है, ठीक है। आप लोगों के जो तहसीलदार होते हैं उनके अंदर तहसील होती है और नायब तहसीलदार के अंदर नियाबत होती है, ऑलराइट, समझ गए। तो ये है थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका, हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगी चीज स्टार्ट कहां से हुई। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट पूछा गया था, जैसे यहां पे मैंने बोला आप लोगों को कि प्रीवियसली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होते थे उनको परगाना बोला जाते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर आपको सपोज करो इसका वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता परगाना क्या, तो आपको क्या पता लगता, ठीक है। तो प्रीवियस एक जेकेएसएस में क्वेश्चन था, एक मिनट रुको, मैं आपको इसका कलर चेंज कर लेता हूं। जेकेएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन में लिखा गया था ओल्ड परगाना देसू, बताओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछा गया था, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर अगर पता होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज मैं कमेंट नीचे आंसर कर दूंगा इसका, ठीक है, ऑलराइट। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपको याद होना चाहिए, ओके। सो आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता लग गया, अब फाइनली देखते हैं कि जेएनके में, जम्मू कश्मीर में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितनी है, उनके क्या क्या नाम है। आप सभी को पता है कि 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स भी बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट, और 2006 में हुई थी वो, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी है भैया, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं आप लोगों की 22, ओके, रुकिए, 22, जिसमें से जम्मू रीजन में कितनी है, जम्मू रीजन में पड़ जाती है 10 डिस्ट्रिक्ट्स, सेम कश्मीर में भी आप लोगों का होता है, कश्मीर रीजन में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 2 डिस्ट्रिक्ट आती है आपकी लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में आ जाते हैं आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट, लेह और करगिल, ठीक है। तो
तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू रीजन के अंदर आती है, कौन कौन सी कश्मीर के अंदर आती है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आती हैं, वो उनके बारे में नाम देखते हैं। ओके, तो पहला अगर हम देखें तो आता आपका डोडा, ठीक है, फिर जम्मू। देखो तो रैंडम लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है। कठुआ, उसके बाद आता आप लोगों का पुंछ, रजौरी, ठीक है, रामबन। रामबन के बाद आता है आप लोगों का रियासी सांबा, रियासी सांबा, उसके बाद आता है उधमपुर, ठीक है, फिर किश्तवाड़। ओके, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके आती हैं किसके अंडर, ये जम्मू रीजन के अंदर। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर रीजन में कौन सी आती है, लिखिए नाम, आती है आप लोगों की अनंतनाग, ठीक है, देन उसके बाद बड़गांव, फिर आती है बारामूला, ठीक है, बांडीपुरा, बांडीपुरा के बाद गांदरबल, फिर आता है कुलगाम, कुलगाम के बाद आता है कुपवारा, कुपवारा के बाद आता है पुलवामा, पुलवामा के बाद आ गया आपका शोपियान, फिर आता आप लोगों का श्रीनगर, ठीक है। ओके, और लद्दाख का आप लोगों को बताइए, दो ही हैं, एक है ले, रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक है ले और दूसरा है कारगिल, ठीक है, ले और कारगिल। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम। अब हम बात करते हैं कि वो सारी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, न्यूली क्रिएटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2006 में स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे, आप सभी को बता दूं, इसका इनका जो कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट डिसीजन नंबर, देखो यहां पे डिसीजन नंबर, हालांकि ये इतना ज्यादा आपको मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में रहेगा। 153 ओब्लिक डी, और डेट क्या थी, डेट थी आपकी 6/7/2006, ठीक है, इन इस डेट को ऑर्डर निकला था, क्रिएशन ऑफ ऑर्डर दी, क्रिएशन ऑफ एट न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब कौन कौन सी थी डिस्ट्रिक्ट भाई, चलो लिखो नाम, मैं बताता हूं आप सभी को। पहली जो थी वो थी आप लोगों की बांडीपुरा, ठीक है, फिर गांदरबल, फिर आता आप लोगों का किश्तवाड़, फिर आता आप लोगों का कुलगाम, फिर आता आप लोगों का सांबा, फिर आता रामबन, फिर आता रियासी, ठीक है। ये वो 8 न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट ऑर्डर, मैंने आपको बता दिया, डेट आपको बता दी, उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट की गई। ऑलराइट, सो आज का ये था इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों का हिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, आई थिंक अगर मैंने आज स्टार्ट किया तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।